बुलाए चाहतों से आप लोग हमें जिताते आए और हम भी जीतते आए, और आप लोग ये अच्छी तरह जानते हैं कि बदले में हमने आप लोगों को क्या क्या नहीं दिया। अरे ये सब झूठ बोलता है, सब झूठ बोलता है। अरे ये लोग ऐसा बोलता है जैसे टेप किया हो कई साथ, मगर आज आप इन लोगों का पास में नहीं आएगा। ये लोग आपको अगर कुछ दिया है तो गर्व दिया है, हेटाई दिया है, भूख दिया है, भ्रष्टाचार दिया है। ये क्रांति दल के लोगों की दोगली बातें सुन सुन के मेरा खून खौलने लगा है। मिस्टर चंद्रसेन आजाद, मैं तुमसे एक प्रश्न पूछता हूं कि कुर्सी और सत्ता हासिल करने के लिए तुम लोग कौन कौन से दोगली लगाते, धर्म जातिवाद और पहले कौन कौन से प्रश्न खड़ा करके लोगों को उल्लू बुलाते हैं। देखिए आप हम यू नहीं बनेंगे, ना आपसे से बजाओ पाकिस्तानी भट्टी में तुम्हारे हिंदुस्तानी जोश का लोहा मोम बन के पिघल रहा है। तेरी पाकिस्तानी भट्टी में तो इतनी भी गर्मी नहीं, सब हिंदुस्तानी मोम तक को पिघला तक गए। अमरीश भैया, दुश्मन के अंदर जब फौलादी जज्बा पैदा हो जाए तो उसे मारना तो बहुत आसान है, लेकिन तोड़ना बहुत मुश्किल है। तोड़ेगा बताएगा कि सरहद पार हिंदुस्तानी फौजों की ताकत क्या है और उनके मंसूबे क्या है। इसने मेरे भाई हसन बेग को मारा है और जिहाद किसी मुल्क की सरहद से लिपट कर नहीं लड़ा जाता, बल्कि उसके अंदर घुस कर लड़ा जाता है। और हमारा मकसद है अपने कश्मीर से इनका तिरंगा उखाड़ कर फेंक देना। इंशाल्लाह। किस तिरंगे को उखाड़ फेंकने की बात कर रहा है तू? किस तिरंगे को? अरे जिस कश्मीर में केसर के खेत, सफेद बर्फ के पहाड़ और हरे चिनार के दरख्त हैं, अरे जिसे खुद खुद अपने तिरंगे से नवाजा है, तू उस तिरंगे को क्या उखाड़ कर फेंकेगा? जुलाई तक ही आपका है और उसके बाद चाहिए और बयारी कबाब दम पुख्त मुर्गा। आज जश्न का दिन है ना, फतेह का दिन, फतेह का। जानते हो मेजर, हम हमारे जाबाद जिहादियों ने कश्मीर की असेंबली, दिल्ली की पार्लियामेंट और कलकत्ता की एम्बेसी के बाद मजहबी आग फैलाकर दहशत और खौफ से हिंदुस्तान की सियासत की जड़ें हिलाकर रख दी है। अब इंशाल्लाह। हे तबरेज, तुमको पूरा मुझे शेख जी लगता है। जानता है शेख जी किसे कहते हैं?
चार कंटन लेते लेते साथ देखा करता है। और तू तो खड़े खड़े पाकिस्तान पे खड़ी है। अरे शुक्रिया अदा कर हिंदुस्तान का, जिसने तुम्हें खड़े होने के लिए जमीन दी। बहुत हो गया तेरे खौफ आतंक और जेहाद का रोना धोना। अरे खैरात में मिली जमीन पर अपने मालिक को याद करके अब नोचैन से रहना सीख। पर ये मत भूल कि जो जमीन देना जानते हैं वो जमीन देने की हिम्मत भी रखते हैं। और जिस दिन ऐसा हो गया ना, उस दिन तेरे मुल्क का दुनिया के नक्शे से नामो निशान मिल जाएगा। जय राम जी की। हमें उसकी चुनाव देखने और उसकी बहादुरी की चर्चा नहीं सुनी। अरे जंग के मैदान में कोई भी सिद्धवार का बनकर वीर और धर्म में चक्र जनक लेता ही नहीं। लेकिन वो कितना भी बहादुर के लाओ, मेरी तलवार की धार से और गोलियों की बुछार से उसे कोई नहीं बचा पड़ता। कोई नहीं, ना तलवार की धार से ना गोलियों की बुछार से बंदा जाता है परवरदिगार से। अच्छा तो यही है तुम्हारा ब्रिगेडियर सूर्य देव सिंह? बोल दो इसे। हमारे कमांडर ने तुम्हारे सब साथियों को घेर रखा है। स्वामी जी जरा अपने पीछे नजर डालो। ये कमांडर बड़ा खतरनाक है। तुम्हारा बाप है, पत्ताने से पहले ही पेड़ काट डालता है। तुम्हारी भलाई अभी में है कि बिना हिले जुले खामोश खड़े रहो। दुबे नाम है सत्यवादी, सत्यवादी दुबे। जैसे गले की पीठ पर घोड़े की जीन अच्छी नहीं लगती, वैसे ही तुम्हारे कंधों पर सितारे अच्छे नहीं लगते। और ये कमरबंद कभी भी अच्छी नहीं लगती। वो कमर याद करो जो तुम दिखाई थी वर्दी पहनने से पहले। हम राम पूरे बताने आए हैं कि अगर तुमने लंगे के खिलाफ कोई भी कदम उठाया तो हम तुम्हें वो मौत देंगे कि ना तुम्हें कानून की किताब में लिखी होगी और ना ही कभी किसी मुद्दे में सोची होगी। वो एक मुर्दा की तरह होगा। पहले हमारे देश में मिसाइल फ्यूल के अंदर कर बनाना इतना आसान नहीं था, जो कि अब हो गया। और तुम सवाल मत करो, सिर्फ काम की बात सुनो। तुम्हें यह फ्यूल कंडर कर लेके हमारे साथ चलना होगा प्रोफेसर। पहला तुम्हारे सिक्योरिटी गार्ड के साथ साथ हिंदुस्तान का यह रिसर्च सेंटर तुम सभी साइंटिस्टों का कब्रस्थान बन जाएगा। मैं किसी भी हालत में तुम्हारे साथ नहीं कर सकता, चाहे अंजाम कुछ भी हो। ठीक है तो अंजाम देखो। नहीं, यही देश के भविष्य है। इधर मत मारो प्लीज, मैं तुम्हारे साथ चलने के लिए तैयार हूं। तुम अकेले नहीं,
सेल्स कंडक्टर भी तुम्हारे साथ जाएंगे। पहले आपको इतना बेवकूफ बात समझो, अगर होम मिनिस्टर होते हुए तुम्हें यह पता नहीं है तो मुझे कल तुम्हारा रेजिग्नेशन चाहिए, समझे? अरे जानते हो बबन और उसके साथियों ने जबान खोल ली तो सूर्यदेव सिंह हमारे लिए नर्क के दरवाजे खोल देगा। जल्दी से पता लगाओ और उन सबको छुड़वाओ। यस, इसे पढ़ा जाते गई। अरे इंग्लिश को मारो गोली और हिंदी में समझो, मैं जीवन लाल बोल रहा हूँ। जीवन हमारे डिपार्टमेंट को और हम उसे ज्यादा कुछ पूछ भी नहीं सकते क्योंकि यही हाईकमांड का ऑर्डर है। वो रहता कहाँ है वो भी नहीं मालूम। ये भी नहीं मालूम तो फिर ये बताओ कि वो मिलता कहाँ है। मैं उससे आज ही मिलना चाहता हूँ सर। बोलो सुबह सीधे ऑफिस 12:00 के बीच में आते हैं सर। सर इंग्लिश उन लोगों के ही दिन आपसे मिलना है। सर हम सीधे आपसे मिलना चाहते हैं। जंगल का ना है क्या इसमें? जी नहीं सर। आज तो हम अपना एक मिनट दूसरे को देख चुके हैं, दर्जे की कोई फुर्सत नहीं होगी। ऐसा करो मंत्री जी को कल दोपहर के बाद की कोई भी अपॉइंटमेंट दे दो। ओके सर। सर जो कल मीटिंग, अरे अंग्रेजी को मारो गोली और हिंदी में समझो, किस राज्य के मंत्री से मिलने के लिए उसके पास वक्त नहीं है? मैं पूछता हूँ वो हमारी खाता है या हम उसकी? इसमें आपके अलावा खाने की बात कहां से आ गई? तो ये है ब्रिगेडियर, आप यहां जाने का आप बधाई हैं और हम आज का सारा उद्दारों को दे चुके हैं। आखिर हम सब जनता ही के सेवक हैं, कुर्सी मिलने पर ये समझ लेना कि सारी सरकार आगे की है, इसे हम कैसे माने? आप मुझे ये न समझाएं कि सरकार किसकी है। आप सिर्फ इतना समझिए कि आप एक सरकारी नौकर हैं और आपके सामने खड़ा हुआ ये इंसान इस राज्य का मंत्री है। खादी के कपड़े पहनने से और टोपी लगा लेने से कोई महात्मा गांधी नहीं बन जाता। और सुनिए, हमें नेताओं की भाषा न तो पहले समझ आई थी और न कभी आएगी। भाषा भाषा छोड़ ब्रिगेडियर, मैं जो आपसे कहना, आपने जो कुछ भी कहना है कल कह लीजिएगा, आपके अपॉइंटमेंट बुक करवा दी गई है। और एक बात ये भी याद रखिए कि हमसे बगैर अपॉइंटमेंट के कोई नहीं मिल सकता, और जहां तक हमारा ताल्लुक है हम किसी से भी किसी वक्त भी कहीं भी मिल सकते हैं। हमारा जब दिल चाहे, शायद आपने वो लेटर नहीं पढ़ा जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने आपको भेजा है। उसमें खास ऑर्डर है कि हमारे किसी भी काम में कोई भी दखल अंदाजी नहीं कर सकता। नमस्कार। नमस्कार। मिसाइल के फ्यूज कंडक्टर निकाल लिए हैं। गिरिनाथ स्वामी, फ्यूज कंडक्टर, अब तुम्हारे मिसाइल में सिर्फ धुआं रह गया और कुछ भी नहीं। बाकी बचे तुम। गिरिनाथ स्वामी,
उसे जो हम निपट लेंगे उनका वैसे प्रधानमंत्री का पास देखने वाले मंत्री विजय का सलाम नहीं होते और फिर जरूरत पड़े तो लाद।